150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे आज गांधी जयंती पर, हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े, क्योंकि जब आप दिल्ली में या बंबई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियां, घाटियां डूब जाती हैं, चरागें, बिजली घर दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की जरूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, सबकी जरूरतों के लिए इस धरती पर काफी है मगर सबकी ज्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए जी तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संविधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। लद्दाख के केस में छठवां शेड्यूल है संविधान का, ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है, स्टीवर्डशिप की जिम्मेदारी, और पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करना चाहिए, उनको ये जिम्मेदारी देना चाहिए क्योंकि वो रहते आए हैं, रहेंगे, वो बेहतरीन संभाल पाएंगे। जी यहाँ से कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? जी अभी तो हम ये मेमोरेंडम दे चुके हैं, अगले आने वाले दिनों में हम भारत के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी या गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो इसी आश्वासन पर हमने ये अनशन तोड़ा है और हमारा जो पदयात्रा था राजघाट तक पहुंचने का ये पूरा हुआ है। तो इसी आश्वासन के साथ अगले दिनों में हम मिलेंगे। सोनम जी, आपने स्टेटहुड की मांग की है कि आज अच्छा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सबसे अहम मांग आपने रखी है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी हमने लोकतंत्र की बहाली की मांग की है, वो पूर्ण राज्य के तौर पर, और दूसरी तरफ जो छठवां शेड्यूल है वो भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है, ग्रास रूट्स पर इंडिजिनस ट्राइबल समुदायों में लोकतंत्र पहुंचाने का। तो ये दो मांगे मुख्य हैं। गृह मंत्री से टाइम मिला सर? वो अगले 2-3 दिनों में हमें टाइम बताया जाएगा, डेट बताया जाएगा। जी नहीं, अगर शीर्ष नेताओं से मुलाकात होती है और इन मेमोरेंडम पर अमल होता है, और 15 दिनों में जो टॉक्स हो रहे थे बातचीत लद्दाख के नेताओं के साथ, एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ, वो उन्होंने शुरू करने का आश्वासन दिया है, तो हम और नहीं करेंगे इस बार अगर इन आश्वासनों पर कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली रुकेंगे, अभी वापस जाएंगे लद्दाख कुछ दिनों में, वापस जाएंगे। हाँ, आज जहाँ भी हम रुके ऐसा कोई वो नहीं है, डिटेंशन नहीं है। जी वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। बुक नाउ।